सुनो, अगर मैं बोलूंगा अपडेट के बाद कुछ ऐसे कैरेक्टर है जिनको यूज करने से इजीली हेडशॉट लगेगा, तो बस आज का टॉपिक है बेस्ट हेडशॉट कॉम्बिनेशन। टोटल दो कॉम्बिनेशन बताऊंगा, नंबर 1 लॉन्ग रेंज हेडशॉट कॉम्बिनेशन एंड नंबर 2 शॉर्ट रेंज हेडशॉट कॉम्बिनेशन। सो वेलकम बैक गाइज, मैं हूं आपका भाई सेकु भाई, स्वागत करता हूं एक और न्यू वीडियो में। चैनल में न्यू हो देन जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एक लाइक कर दो और भर भर के कमेंट करो नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और एक बात है, स्ट्रॉन्ग ब्रदर को इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज में फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, ऑलराइट, फर्स्ट कॉम्बिनेशन है लॉन्ग रेंज हेडशॉट कॉम्बिनेशन। अब तुम ड्रैग हेडशॉट मारो या वन टैप हेडशॉट मारो, ये तुम्हारा ऊपर डिपेंड करता है, और कौन सा गन यूज कर रहे हो वो भी मैटर करता है। बट लॉन्ग रेंज में हेडशॉट मारने के लिए मैं आज एक तगड़ा कॉम्बिनेशन बताऊंगा। तो एक्टिव स्किल में हुमर, ये क्या करता है, एनिमी का मूवमेंट स्पीड एंड रेट ऑफ फायर को डिक्रीज कर देता है 5 सेकंड के लिए। ये भी जान लो कितना स्पीड एंड रेट ऑफ फायर डिक्रीज करता है, 60% मूवमेंट स्पीड एंड 35% रेट ऑफ फायर डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद तो 5 सेकंड के लिए एनिमी का हिलना और फायर करना मुश्किल हो जाता है। तो बस उसी 5 सेकंड का फायदा उठा सकते हो और एनिमी को आराम से हेडशॉट मार के नॉक कर सकते हो। लेकिन हेडशॉट मारने के लिए फुल कॉम्बिनेशन का जरूरत पड़ेगा। तो एक्टिव कैरेक्टर तो हो गया, नेक्स्ट अब बारी है पैसिव कैरेक्टर का। तो नंबर 1 पैसिव कैरेक्टर है लूना। ये क्या करती है, रेट ऑफ फायर को इंक्रीज करती है। जैसे ही तुम एनिमी के ऊपर फायर करोगे रेट ऑफ फायर इंक्रीज होगा, और जैसे ही फायर करना स्टॉप करोगे मूवमेंट स्पीड धीरे धीरे करके इंक्रीज हो जाएगा। देखो मैं हर बार बोलता हूँ, हेडशॉट के लिए रेट ऑफ फायर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए कॉम्बिनेशन में एक रेट ऑफ फायर इंक्रीज करने वाला कैरेक्टर को यूज किया हूँ। और रेट ऑफ फायर ज्यादा होने से ड्रैग हेडशॉट भी तगड़ा लगता। सेकंड पैसिव कैरेक्टर है मोको। अगर एनिमी को थोड़ा सा भी डैमेज देते हो देन एनिमी के ऊपर टैग शो करेगी। अपडेट के बाद मोको का एबिलिटी को इम्प्रूव किया गया है। पहले क्या होता था, टैग सिर्फ एक टाइम में एक एनिमी के ऊपर शो करता था, बट आफ्टर अपडेट मोको को यूज करके जिसको भी डैमेज दोगे सबके ऊपर टैग शो करेगा। हाँ, मोको को यूज करने से हेडशॉट नहीं लगेगा, लेकिन हुमर के साथ मोको को यूज करने से तगड़ा फायदा मिलेगा। आपको पता है हुमर एक ड्रोन छोड़ता है और वो ड्रोन एनिमी के ऊपर जाके ब्लास्ट होता है और एनिमी को डैमेज लगता है, और जैसे ही एनिमी को डैमेज लगेगा मींस मोको का टैग शो करेगा और एनिमी का लोकेशन रिवील हो जाएगा। एंड लास्ट पैसिव कैरेक्टर है मारो, जो लॉन्ग डिस्टेंस में डैमेज इंक्रीज करता है अप टू 25% तक, और टैग एनिमी के ऊपर एक्स्ट्रा 3.5% का डैमेज इंक्रीज होगा। मींस अब टोटल 25% प्लस 3.5 इक्वल टू 28.5% डैमेज इंक्रीज होगा इस कॉम्बिनेशन को यूज करने से। देखो मारो कैरेक्टर को यूज करने का एक रीजन है, बहुत बार क्या होता है लॉन्ग डिस्टेंस में 180-190 का हेडशॉट लगता है और एनिमी बच जाता है, लेकिन अब और नहीं बचेगा। सो ये था लॉन्ग रेंज हेडशॉट कॉम्बिनेशन। इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को यूज करके लॉन्ग डिस्टेंस से हेडशॉट मारना इजी हो जाएगा। देखो हुमर एनिमी का मूवमेंट स्पीड रिड्यूस कर देगा एंड मोको के मदद से एनिमी का प्रॉपर लोकेशन पता चल जाएगा। देन लूना कैरेक्टर रेट ऑफ फायर को इंक्रीज करती है, ड्रैग मारना इजी हो जाएगा लूना कैरेक्टर की मदद से, और मारो कैरेक्टर एक्स्ट्रा डैमेज देता है। सो गाइस, इस कॉम्बिनेशन को यूज करके तुम छुपे हुए एनिमी को भी आसानी से मार सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट सेकंड शॉर्ट रेंज हेडशॉट कॉम्बिनेशन। एक्टिव स्किल में उकोंग कैरेक्टर। देखो शॉर्ट रेंज में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत कम टाइम होता है हेडशॉट मारने के लिए। एक्चुअली शॉर्ट रेंज में एनिमी अपना पोजीशन जो है वो लगातार चेंज करता रहता है, इसीलिए शॉर्ट रेंज में हेडशॉट मारना थोड़ा मुश्किल होता है। एंड उकोंग कैरेक्टर को यूज करने का एक रीजन है, उकोंग एक हिडन कैरेक्टर है। बुश में कन्वर्ट होने के बाद एनिमी तुम्हें खोज नहीं पाएगा, लेकिन तुम बुश बन के एम ले सकते हो और इजिली एनिमी को हेडशॉट मार सकते हो। और बुश में एनिमी का डिफॉल्ट एम वर्क नहीं करेगा, बट तुम बुश के अंदर से स्कोपिंग करके या डायरेक्ट वन टैप मार सकते हो। ओके, बट सिर्फ उकोंग कैरेक्टर यूज करने से नहीं होगा, इसके साथ पैसिव कैरेक्टर भी यूज करना है। तो नंबर 1 पैसिव कैरेक्टर है उल्फ्रा। इसका एबिलिटी है 30% हेडशॉट डैमेज इंक्रीज करता है और 30% हेडशॉट डैमेज ब्लॉक करता है। बस इसका एक छोटा सा कंडीशन है, तुम्हें 3 स्पेक्टेटर चाहिए, तब जाके स्किल वर्क करेगा। देखो शॉर्ट रेंज में हेडशॉट डैमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं बोला शॉर्ट रेंज में हेडशॉट मारना थोड़ा डिफिकल्ट है, और कभी कभार तुम फुल कॉन्फिडेंस के साथ हेडशॉट मारते हो लेकिन एनिमी नॉक नहीं होता है। तो बस अब ऐसा नहीं होगा, परफेक्ट हेडशॉट भी लगेगा और एनिमी नॉक भी होगा। देन नेक्स्ट पैसिव कैरेक्टर है सिरू। आपको पता है अपडेट के बाद सिरू का एबिलिटी चेंज हो गया। अभी सिरू का एबिलिटी है अगर एक एनिमी हो या 4 एनिमी सिरू यूजर को डैमेज देते हैं देन उनके ऊपर पिंक कलर का मार्किंग शो करेगा, तुम्हें आराम से एनिमी का लोकेशन पता चल जाएगा। ओके, एंड लास्ट पैसिव कैरेक्टर है दशा, जो रेट ऑफ फायर एंड मूवमेंट स्पीड को इंक्रीज करती है। बट एक छोटा सा कंडीशन,
है। फर्स्ट एनिमी को नॉक करने के बाद 18% रेट ऑफ फायर एंड 15% मूवमेंट स्पीड इंक्रीज होगा। जैसे कि मैं बोलता हूँ, रेट ऑफ फायर जितना अच्छा होगा उतना तगड़ा ड्रैग हेडशॉट लगेगा। सो गाइस, ये था शॉर्ट रेंज हेडशॉट कॉम्बिनेशन। उकोंग को यूज करके परफेक्ट एम ले सकते हो। उल्फ्रा तो तुम्हें हेडशॉट से बचाएगा, बट तुम जिसको हेडशॉट मारोगे वो नहीं बचेगा। एंड सीरू को यूज करने का एक छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा रीजन है, शॉर्ट रेंज में क्या होता है, एनिमी कहीं से भी छुप के डैमेज देता है, वो अब नहीं बचेगा। एंड लास्ट दशा जो इजीली एक स्क्वाड को वाइप आउट करने में मदद करती है अपना रेट ऑफ फायर एंड स्पीड को इंक्रीज करके। सो ये था दो हेडशॉट कॉम्बिनेशन, लॉन्ग रेंज एंड शॉर्ट रेंज हेडशॉट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। यूज करो एंड कमेंट बताओ कि यूजफुल है या नहीं। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगर तुम्हें जानना है कि आफ्टर अपडेट टॉप 5 यूजलेस कैरेक्टर कौन कौन सा है, देन लेफ्ट साइड वीडियो को क्लिक करो एंड राइट साइड में तुम्हें क्लास कोड कॉम्बिनेशन वाला वीडियो दिख रहा होगा, जाके देख लो फटाफट से। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।